धार जिले के बागनगर में विगत 65 दिनों से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का पालन कर घर में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। बाग थाने पर नायब तहसीलदार शिवशंकर जलोरिया और बाग थाना प्रभारी कमलेश सिंघार ने बाग बाजार खोलने संबंधित व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में शासन के बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही अपनी दुकानें संचालित करना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का भी सभी को उपयोग करना पड़ेगा। इन नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही होगी। एक दुकान में 3 से ज़्यादा ग्राहकों को नहीं रहने देना है। दुकान में 1.5 मीटर की दूरी में गोला बनाना पड़ेगा। आपको अब अपनी सुरक्षा खुद करना है। इस दौरान सैलून दुकानदारों को विशेष चेतावनी देते हुए बताया कि सैलून दुकानदारों को बहुत सावधानी बरतना है। आपके टावेल, कैंची, ब्रश, उस्तरा को हर बार सैनिटाइज करना है। हर बार टावेल बदलना है। हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है और दुकान में दूरियां बनाकर ही काम करें। सप्ताह में एक बार सभी सोमवार को पूर्णतः व्यापार बंद कर एंजॉय करें और प्रशासन का सहयोग करें। इसमें खासकर पान, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट पूरी तरह बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे कर्फ्यू रहेगा। 8 से 5 बजे तक बाज़ार खुला रहेगा। इस बैठक में नगर के सभी व्यापारी उपस्थित हुए और बाज़ार खोलने के सारे नियमों को समझा। बाग से संजय देपाले की रिपोर्ट। बट सब के नियम को फॉलो करोगे आप लोग? नंबर एक, अपने होटल में अपनी दुकान के सामने एक रस्सी कमर पे, एक रस्सी सीने पे बंधी रहेगी टाइट, कोई भी अंदर ग्राहक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।